बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। उसमें लास्ट टाइम हमने किया था ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स हमने चार डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से? एक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था, फिर हमने गॉल्जी अपैरेटस किया था, फिर हमने लाइजोजोम किया था, फिर पेरोक्सीजोम। आज जो हमारा पाँचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, और सेल की सारी एनर्जी यहाँ यहीं पे सिंथेसाइज होती है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी को आज डिस्कस कर लेते हैं। अब ये स्लाइड आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। ए अ सिंगल सेल में कंटेन एज फ्यू एज 100 और एज मैनी एज सेवरल थाउजेंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द एनर्जी ऑर्गेनल्स और पावरफुल प्लांट्स ऑफ द सेल। दे एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इन फूड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म फॉर सेल एक्टिविटीज़। अब हमारा जो सेल है, हम जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसमें, तो सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, प्रोटीन जा रही है और फैट्स जा रहे हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जब तक उसमें से फूड स्टफ में से न्यूट्रिएंट के तौर पे जब वो इस्तेमाल होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी जो है एनर्जी रिलीज होगी और फिर सेल एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, तो ये काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। अब ये देखें, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, बहुत अच्छी सी डायग्राम है। अब इसमें बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो देखें आप इसमें कि रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल पिक्चर है उसकी। ऊपर से उसकी एक वॉल हटा दी है ऊपर की, ताकि आपको अंदर का हिस्सा नज़र आ सके। अब देखें उसमें ये रॉड शेप्ड है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन तो उसकी स्मूथ जा रही है, जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज़ थ्रोन इनटू डिफरेंट फोल्ड्स विच फॉर्म्स शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं क्रिस्टी। और इसके अंदर जो है ना, इन शेल्फ्स के अंदर मैट्रिक्स फिल है। ठीक है, तो इसकी दो मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स लाइक शेल्स एंड दे हैव गॉट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेटर एंजाइम्स अटैच टू इट, और मैट्रिक्स भी है इसके अंदर। ये एक और बहुत अच्छी सी डायग्राम देखिए। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, आप देखें पूरा इसका सेक्शन करके दिखाया, और उसमें भी आपको आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो शेल बना रही है, जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये एक और अच्छी सी डायग्राम है, ये भी उसी तरह की है। उसमें आउटर वॉल, इनर वॉल इज थ्रोन इन टू फोल्ड्स मेकिंग शेल्स विच आर नोन एज क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड। अब ये मैंने आपको सारा बता दिया कि रॉड शेप्ड होते हैं या ओवल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस देयर ओन डीएनए डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डीएनए हाउस्ड इन द सेल्स न्यूक्लियस। यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अलग होते हैं, न्यूक्लियस के डीएनए अलग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेन द जेनेटिक कोड फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स द माइटोकॉन्ड्रिया नीड टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, ये सेल में आप पूरा देख लीजिए, बीच में न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पिंक कलर के छोटे स्ट्रक्चर हैं, एक नीचे और एक ऊपर, आप देखिए वो माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, एज आई हैव टोल्ड यू। अ स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन सराउंड्स द माइटोकॉन्ड्रिया ऑन इटसेल्फ। इनर मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स और शेल्स कॉल्ड क्रिस्टी व्हिच प्रोजेक्ट इनटू एन इनर कैविटी फिल्ड विद जेल लाइक सॉल्यूशन व्हिच इज नोन एज मैट्रिक्स। दीज क्रिस्टी कंटेन क्रूशियल प्रोटीन्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बट दैट अल्टीमेटली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मच ऑफ द एनर्जी इन फूड इनटू यूजेबल फॉर्म। द जेनरस फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ग्रेटली इंक्रीज द सर्फेस एरिया अवेलेबल फॉर हाउसिंग दीज इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स। तो उसमें शेल्व्स जो हैं, जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं, वो इसलिए अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं ताकि उनका सर्फेस एरिया ज़्यादा हो जाए और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसमें अटैच हो सकें। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट डिजॉल्व्ड एंजाइम। अब मैट्रिक्स में भी, एक तो क्रिस्टी में अटैच्ड हैं, दूसरे मैट्रिक्स में भी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट डिजॉल्व एंजाइम है। सिट्रिक एसिड साइकिल एंजाइम, जिसको कहते हैं, आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, दैट प्रिपेयर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल फॉर द फाइनल एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजेबल एनर्जी बाय द क्रिस्टी प्रोटीन्स। पहले क्रिस्टी प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट करती हैं एनर्जी, और फिर सिट्रिक एसिड साइकिल जेनरेशन अब कैसे होती है एटीपी की। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी इज द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कार्बन बॉन्ड ऑफ द इंजेस्टेड फूड। इंजेस्टेड फूड में जो कार्बन बॉन्ड्स हैं उसमें एनर्जी है, और वो एनर्जी बनाना माइटोकॉन्ड्रिया का काम है।
बॉडी सेल्स आर नॉट इक्विप्ड टू यूज दिस एनर्जी डायरेक्टली. However, instead they must extract energy from food nutrients and convert it into an energy form that they can use, namely high energy bonds of adenosine triphosphate, that is ATP. Adenosine triphosphate is the universal energy carrier, the common energy currency of the body. Currency हम इसलिए कह रहे हैं कि ये वो energy है जो cell सिर्फ utilize कर सकता है, और food में से ये energy extract करवाना mitochondria का काम है, वही एटीपी बनाते हैं. ठीक है, पावर हाउस है ये हमारे बॉडी में, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया. टू ऑब्टेन इमीडिएट यूजेबल एनर्जी, सेल स्प्लिट द टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी विच यील्ड्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन विद टू फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी. ठीक है, तो एटीपी जब टूटती है एडीपी बनता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो सेल के मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल हो जाती है. एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपीज आर न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ नंबर वन नाइट्रोजिनस बेस एडिनिन, नंबर टू अ पेंटोज शुगर दैट इज नोन एज राइबोज, नंबर थ्री थ्री फॉस्फेट रेडिकल्स. ठीक है, ये सब मिलके बनाते हैं एटीपी. द लास्ट टू फॉस्फेट रेडिकल्स आर कनेक्टेड टू द रिमेंडर ऑफ द मॉलिक्यूल बाय सो कॉल्ड हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स. Each of these high energy bonds contain about 12,000 calories of energy per mole of ATP, which is many times greater than the energy stored in the average chemical bond, thus called high energy bond. तो इसलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा 12,000 calories energy उसमें store है और release होगी, इसलिए high energy bond कहते हैं उसको. High energy phosphate bond is very labile so that it can be split instantly on demand whenever energy is required to promote intracellular reaction. जब भी energy cell के किसी भी function के लिए चाहिए ATP जो है वो break होती है और ADP बन जाता है, यानी adenosine diphosphate, और high energy phosphate bond release हो जाता है और वही energy फिर use हो जाती है. अब adenosine diphosphate जब ATP डिसोसिएट होता है तो एडीपी बनता है. व्हेन एटीपी रिलीजेस इट्स एनर्जी, अ फॉस्फोरिक एसिड रेडिकल इज स्प्लिट अवे एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इज फॉर्म. दिस रिलीज्ड एनर्जी इज यूज्ड टू एनर्जाइज मेनी ऑफ द सेल्स फंक्शंस. अब रिकंस्टिट्यूट कैसे होती है, जाहिर है अगर एक दफा एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन हुई और एडीपी बना तो अब दोबारा कहाँ से बनेगी. तो रिकंस्टिट्यूट, टू रिकॉन्स्टिट्यूट एटीपी, एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सेलुलर न्यूट्रिएंट्स कॉज एडीपी एंड फॉस्फोरिक एसिड टू रिकम्बाइन टू फॉर्म न्यू एटीपी एंड द एंटायर प्रोसेस रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन. अब यूजेस क्या है एटीपी के सेलुलर फंक्शन में. एटीपी इज फॉर्म्ड बाय प्रोसेसेस इन द सेल. नंबर वन, कैसे हो रही है एटीपी जेनरेट. नंबर वन, ग्लाइकोलिसिस इन द साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, उससे जनरेट हो रही है. नंबर टू, सिट्रिक एसिड साइकिल और कर्ब साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया. जो हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो है ना जो एंजाइम है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के हैं. अब ये देखें आप इस डायग्राम में, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है साइटोप्लाज्म में, सही है. अब उसमें ग्लूकोज सेल के अंदर आ रहा है, एटीपी जो है वो रिलीज़ कर रही है एनर्जी, पायरविक एसिड बन रहा है, फिर पायरविक एसिड एसिटाइल को ए बनाता है, एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल होता है वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरह, मतलब ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीडेशन हुई, सारे फंक्शंस हुए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बना था वो फिर सेल से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, और ये सारी एटीपी हमारे फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे ग्लूकोज फैटी एसिड्स अमाइनो एसिड्स सेल के अंदर आते हैं, फिर ये यूज़ होते हैं और एटीपी बनती है, और फिर वो एटीपी सारे सेल के फंक्शंस करती है. ठीक है, हाउ एवर ग्लाइकोलिसिस डज प्रोवाइड सेल्स विद अ सस्टेनेंस मैकेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस एटलीस्ट सम एटीपी अंडर एनारोबिक कंडीशन. अब पीछे डायग्राम देखें, अब जो ये आप देख रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ना वो ऑक्सीजन के बगैर हो रहा है, और अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, तो एनारोबिक थोड़ी बहुत एटीपी बनती है एनारोबिक कंडीशंस में भी. यूजेस अब क्या है एटीपी के फॉर सेलुलर फंक्शंस. नंबर वन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू मल्टीपल मेम्ब्रेन्स इन द सेल. हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अंदर जाना है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं,
उनको अंदर जाना है या बाहर आना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। हम जब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, उसमें और तफसील से पढ़ लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। नंबर टू, सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स थ्रू आउट द सेल। सेल में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एटीपी से आती है जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। मैकेनिकल वर्क, अब मैकेनिकल वर्क कर रहा है अगर सेल तो उसके लिए भी एटीपी चाहिए और वो भी माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं। इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एटीपी के क्या फंक्शंस हैं। तो एक तो आप देख लें, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बताया हुआ है, सोडियम जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल के अंदर या बाहर, वो हो गया। दूसरा राइबोसोम्स देख लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन रही है, उसके लिए भी एटीपी चाहिए। फिर जो है आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, फिर उसके अंदर जाके वो एटीपी बन रही है और फिर वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा रही है। ठीक है, तो ये सारे हम अपने अगले जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, यानी कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और फिर उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें और आप तफसील से समझ लेंगे। ख़त्म ख़त्म हो गया। अब जो है आपका असाइनमेंट है, जैसे मैंने आपसे हमेशा मैं कहती हूँ कि आप लोग उसको पढ़ के फिर अच्छी तरह अपने पास लिख लिया करें छोटा छोटा करके। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको ये स्ट्रक्चर और फंक्शन हर ऑर्गेनल का बिल्कुल अच्छी तरह से आना चाहिए। जो भी MCQs आएंगे आप कर लेंगे, और वैसे भी सिर्फ इम्तिहान के लिए तो मेरा ख्याल है हम पढ़ते नहीं हैं, हम तो अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टू, भले इम्तिहान में ना आए, क्वेश्चन टू, व्हाट इज़ द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द सेल एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। ठीक है, यूजेबल फॉर्म क्या है और किस तरह बनती है। क्वेश्चन थ्री, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ATP बाय द सेल्स। तो क्या क्या फंक्शन है जो अभी मैंने बताए, वो सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, अब जो है हमारा ये ख़त्म हो गया, ऑर्गेनल्स ख़त्म हो गए। अब आपको अच्छी तरह से उनको याद कर लीजिए, उसी वक्त आप याद कर लिया करें जब लिख रहे हो, लिखेंगे खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होता है आप रिवाइज़ कर लेंगे आराम से, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आज हमारा फिर ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।